बढ़ते हैं जहां दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल पंजाब में शराबबंदी पर रोक लगाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली को एक शराब नगरी बनाने में तुले हुए हैं। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी प्रदर्शन कर जनता को परेशान करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का शराब माफिया से गहरा नाता रहा है। दिल्ली में जगह जगह अवैध शराब बिकती थी। बहुत सारे इलाके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बना रखे थे जहां पे वो शराब की जो लीगल दुकानें हैं उनकी जगह अवैध दुकानें खोल के माफिया के साथ चलवाते थे। इससे जब नई नीति अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई तो उससे 3,500 करोड़ रुपया जो चोरी हो रहा था वो चोरी रुक गई। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शराब माफिया दोनों 3,500 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी कर रहे थे, वो चोरी रुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो होगा ही। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो 3,500 करोड़ रुपए की चोरी में शामिल थी। केजरीवाल जी की नई आबकारी नीति से 3,500 करोड़ रुपए की जो चोरी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता लोग और शराब माफिया मिलकर कर रहे थे वो रुक गया है। इस शराब नीति में वो हजारों की संख्या में उन्होंने दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए। रिहायशी कॉलोनी के अंदर जो ठेके स्कूल और मंदिरों के पास, धार्मिक स्थलों के आसपास, बिल्कुल अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर जहां आज तक आजादी के बाद कभी शराब के ठेके नहीं खोले गए, वहां पर शराब के ठेके खोलकर वहां के मार्केट्स, वहां के रिहायशी कॉलोनियों को वहां परेशान करने का काम ये दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति के माध्यम से किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार शराब नीति के खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं और आज पूरी दिल्ली में चक्का जाम है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के चक्का जाम विरोध प्रदर्शन की वजह से अक्षरधाम और सराय काले खां की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भीषण जाम लगा हुआ नजर आ रहा है। और हमारे सहयोगी स्पर्श इस खबर पर और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरह से नई आबकारी नीति को लागू किया गया दिल्ली में, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी इस नई आबकारी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज भी दिल्ली पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली में, और अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां पर भीषण जाम लगा हुआ नजर आ रहा है इस विरोध प्रदर्शन की वजह से। क्या कुछ आपत्तियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाई जा रही हैं, मैं चाहूंगा कि वो आप एक बार बताएं। देखिए, दिल्ली सरकार की जो नई आबकारी नीति है उसके तहत जो है आज जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई है वो दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रही है। लगभग 11 से 12 जगह पर ये प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है और इसके कारण दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो समस्याएं हैं जाम की वो देखने को मिल रही है। चाहे सराय काले खां की बात की जाए या फिर राजेंद्र जो प्लेस है वहां पर बात की जाए, क्योंकि गोल चक्कर पर प्रदर्शन जो है किया जा रहा है, राजौरी गार्डन पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और दिल्ली सरकार की जो नई आबकारी नीति है उसके तहत जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर जो दुकानें हैं वो शराब की कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ रही है। चाहे वो मंदिरों के पास की बात की जाए, गुरुद्वारों के पास की बात की जाए, हॉस्पिटल्स के पास की बात की जाए, ये तमाम कुछ ऐसी आपत्तियां हैं जो दिल्ली प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी वो जो है इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो वापस दिल्ली बीजेपी पर जो है कहीं ना कहीं आरोप ये लगाती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली बीजेपी जो MCD है वो कहीं ना कहीं जो है पहले जो लिकर माफिया है उनके साथ साठगांठ रखती हुई नजर आती थी और जो टैक्स का पैसा था वो दिल्ली सरकार को सीधे तौर पर नहीं मिलता था। अब जो नई आबकारी नीति आई है उसके तहत जो सीधे तौर पर टैक्स का पैसा है वो दिल्ली सरकार के खाते में जाएगा और उससे कहीं ना कहीं जो विकास है वो आज जो है दिल्ली में जो है होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में दिल्ली सरकार कह रही है कि ये जो नई आबकारी नीति है वो पूरी तरीके से पारदर्शी है और उससे जो है विकास कहीं ना कहीं जो टैक्स के पैसे से होता हुआ नजर आएगा। लेकिन चूंकि दिल्ली के रेजिडेंशियल इलाकों में ये जो दुकानें हैं वो लगातार खुलती हुई नजर आ रही है और इसी के संदर्भ में जो आरोप है वो आज जो है कहीं ना कहीं दिल्ली बीजेपी जो है लगाती हुई नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो नई आबकारी नीति है वो ठीक नहीं है और उसको जो है बदलाव कहीं ना कहीं उसमें होना चाहिए। लेकिन स्पर्श, आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच जो परेशानी खड़ी हुई है वो जनता के सामने खड़ी हो गई है। जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतरे हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता परेशान है। और यही आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से भी लगाया गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी बयान सामने आया है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ही प्रदर्शन जो है दिल्ली बीजेपी की जो 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 इकाई है उसकी तरफ से दिल्ली में अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है नई आबकारी। स्पर्श में आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार। जिस तरह से आप लोग आज बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन सर जिस तरह से आपकी ओर से जो आपत्तियां उठाई जा रही हैं, मैं चाहूंगा कि आप एक बार बताएं क्या कुछ मांग आपकी ओर से की जा रही है और क्या आपत्ति आपको नई आबकारी नीति में नजर आती है। देखिए ना सिर्फ हम बल्कि लाखों आम जनता जिसमें धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं, आरडब्ल्यू के लोग हैं, बहने हैं, मजदूर लोग हैं, सब लोग हमारे साथ मिलकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि हम अपने युवाओं को, अपनी महिलाओं को और दिल्ली में रहने वाले मजदूरों को केजरीवाल की जो धूट नीति है, जो शराब नीति, उसे बचा सकें। केजरीवाल जी दिल्ली को पूरी तरीके से नशायुक्त करना चाहते हैं और उन्होंने 850 ठेके खोल दिए और ऐसे ठेके खोल दिए कि वो ठेके एरियाओं को बर्बाद कर रहे हैं और लोग चाहते नहीं है। जब लोग नहीं चाहते तो वहां पे ठेके क्यों खोल रहे हैं? आपके पास कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, कॉमर्शियल साइट्स है, वहां पे खोलिए। लेकिन उनकी तो नीति ये बन गई है कि हमें गली गली में शराब पहुंचाना है, पानी अच्छा नहीं पहुंचाना, हवा अच्छी नहीं पहुंचानी, मेडिकल सुविधाएं नहीं देनी, अच्छी सड़क नहीं देनी, अच्छी डीटीसी बस नहीं देनी, लेकिन शराब को गली गली तक पहुंचाना है। लेकिन खेमचंद जी जिस तरह से आप ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, बातें रख रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से तो इसी को लेकर आप पर निशाना साधा गया है। उल्टा आप पर आरोप लगाया गया है कि आप टैक्स चोरी में संलिप्त थे, 3,500 करोड़ की टैक्स चोरी का उन्होंने ऐसा आंकड़ा भी दिया है कि यही कारण है कि बीजेपी आज परेशान है नई आबकारी नीति को लेकर। इसे क्या कहेंगे आप? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लगभग 4 से 5 हजार करोड़ की कमीशन खोरी आम आदमी पार्टी करने जा रही है। आम आदमी पार्टी इतनी सही है तो वो शराब के ठेकों को बंद करा दे, जहां पे लोग नहीं चाहते तो वहां पे बंद करा दे, क्या दिक्कत है? और भारतीय जनता पार्टी कैसे कमीशन खोरी कर रही है? सीधा सीधा आप लाइसेंस देते हो, आप उसको रेगुलेट कर दो, आपने नई दुकानें खोली हैं और ना सिर्फ ये बल्कि 3,000 आपने लाइसेंस, नए लाइसेंस आपने और भी दिए हैं, मैरिज हॉल्स को दिए हैं, वार को दिए हैं, अपने रेस्टोरेंट को दिए हैं। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ जब ये परेशान हो गए, जब ये फंस गए, जब इनको पता है कि ये बच नहीं सकते तो उस समय अनगल कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगा के बचने की कोशिश करें। लेकिन अब दिल्ली इनके खिलाफ खड़ी हो गई है और हम लड़ेंगे और इनको इनको मजबूर कर देंगे कि ये अपने जो शराब के ठेके उनको बंद करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद खेमचंद जी जनता टीवी से बात करने के लिए। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का रुख भी आपने सुना, इससे पहले हमने आम आदमी पार्टी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान भी सुनाया था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा लगातार बने हुए। स्पर्श, जिस तरह से खेमचंद जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो राजधानी दिल्ली है उसको नशा नगर बना दिया है, 800 से ज्यादा ठेके खोल दिए गए हैं धार्मिक स्थल के पास, चाहे वो स्कूलों के पास ही क्यों ना हो, इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे जो परेशान हो रही है वो जनता हो रही है, कहां कहां पर विरोध प्रदर्शन आज दिल्ली में किया जा रहा है। स्पर्श, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पर जो ये नए ठेके हैं उनको खोल दिया गया है और उसमें कई इलाकों में निश्चित तौर पर परेशानी जो है जनता को जो है देखने को मिल रही है। जनता जो है नहीं चाहती कि वहां पर जो है ठेके खोले जाए। ऐसे में दिल्ली में आज 11 से 12 जगह पर जो ये प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, चाहे वो राजेंद्र प्लेस गोल चक्कर की बात की जाए, रजौरी गार्डन की बात की जाए, आईटीओ की बात की जाए या फिर जो 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 गाजीपुर के आसपास का इलाका है वहां पर की जाए। यानी पूरी दिल्ली में जो प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नई आबकारी नीति जो है उसके खिलाफ किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन सुबह 11 बजे से ही शुरू हो गया था और जैसे ही 11 बजे से प्रदर्शन शुरू हुआ तब से ही दिल्ली की सड़कों पर जो जाम की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। लोग जो है परेशान होते हुए नजर आए। आज जो है मंडे है, लोगों को अपने दफ्तर पहुंचना था लेकिन लोग दफ्तर पहुंचने में भी जो है लेट होते हुए नजर आए। ऐसे में गाड़ियां सड़क पर जो है रेंग रेंग कर जो है इस प्रदर्शन की वजह से चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन साफ तौर पर दिल्ली में चूंकि आने वाले समय में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, तमाम पार्टियां जनता को एक दूसरे का हितैषी बताती हुई दिखना चाहती है और इसी के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में चाहे बीजेपी की बात की जाए, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, इस नई आबकारी नीति को लेकर तीनों पार्टियां एक दूसरे को घेरती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल स्पर्श, कहीं ना कहीं जिस तरह से निगम चुनाव है उससे पहले माहौल जो तैयार हो रहा है राजधानी में वो देखने लायक है। और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी नई आबकारी नीति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।